जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से बहुत स्वागत है, आपका आभार है। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल से आप नहीं जुड़े हैं, मैं आपसे एक छोटा सा निवेदन करना चाहता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चैनल से जुड़ जाए, ताकि आपको हमेशा सही और सटीक जानकारी मिलती रहे। हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं भगवान की कृपा के ऊपर, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने बहुत बार ये बात बता चुका हूँ, लेकिन कई बार कमेंट्स में आते हैं हमारी किस्मत ख़राब है, हम पर भगवान की कृपा नहीं है, हमारे काम नहीं बनते, हमारी शादी नहीं होती, मकान नहीं बन पा रहा, और न जाने कितनी सारी बातें जो मुझसे हमेशा वो पूछा करते हैं या कमेंट्स में किया करते हैं। दोस्तों देखिए, हर एक व्यक्ति जो भी इस धरती पर जन्म लिया है, हम मानव ही सही नहीं, जीव भी, जीव जंतु सभी पर ईश्वर की कृपा होती है। ये सभी चीजें महसूस करने का विषय होता है और ये एक सत्ता को स्वीकार करने का विषय होता है। आप उस सत्ता को, उस सरकार को स्वीकार करें। हमारे मन में संशय इतने हैं, हमारे पास थोड़ा सा धन आ जाता है, थोड़ा सा शक्ति आ जाती है, पावर आ जाती है, तो हमें ऐसा लगता है कि सब हम ही कर रहे हैं। बाकी ये सभी चीज़ें एक बार एनालिसिस करें कि हम कहाँ खड़े थे और आज कहाँ खड़े हैं। बहुत से लोग ऊपर होंगे, बहुत से लोग नीचे होंगे, तो कोई तो सत्ता काम करती होगी, कोई तो शक्ति इन सभी के पीछे काम करती होगी। उस शक्ति को स्वीकार करना ही, उस शक्ति को पूरी शिद्दत से, पूरी ईमानदारी से मानना ही ईश्वर की कृपा है। आप उसे जितना मानेंगे, जितना समझेंगे, उतना आप उन चीज़ों को महसूस कर पाएंगे। आप अगर आपके अंदर थोड़ा सा घमंड हो, उस घमंड को त्याग दें, सरल विनम्रता, लोगों का सम्मान करें, लोगों से बातचीत करें, संवाद करें, पहल करें, चीज़ों को, जो हमारा एक दायरा है जिसमें हमने खुद को सिमट कर रख लिया है या उस दायरे में हम खुद को देख रहे हैं, उससे बाहर निकले। क्योंकि जब तक आप उससे बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक आप वो तमाम चीज़ें नहीं देख पाएंगे या वो चीज़ें नहीं महसूस कर पाएंगे जो आप पर है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें दो वक्त का भोजन नसीब नहीं होता। हम बहुत किस्मत वाले हैं कि दो वक्त का भोजन नसीब हो रहा है, हमारे पास रहने के लिए मकान है और छत है, अच्छे कपड़े पहनते हैं, बेसिक मूलभूत आवश्यकताएं हमारी पूरी है। हमें यहाँ से जो पॉजिटिव, सकारात्मक जो भी मिले, वो हमारे लिए सिर्फ सकारात्मक पाना है, खोना कुछ भी नहीं। खोना पाना अगर आप देखेंगे तो फिर उलझ जाएंगे उसमें। इसलिए इस पूरी सत्ता को महसूस करें, उस कृपा को आपके ऊपर अनुभूत करें, आप पर ईश्वर की कृपा है दोस्तों, ये बात हमेशा आप याद रखना। तो अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में राय लिखें, वीडियो को शेयर करें। जय श्री महाकाल।